आज हम आपको सिक्स क्लास के चौथे अध्याय आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं से संबंधित जो चौथा चैप्टर है उस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.5 की कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। उससे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराएंगे और एक बात हम आपको बता दें कि इससे पहले के सारे जो चैप्टर हैं उनको हम अपने पिछले वीडियोज में करा चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक या वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्या है चतुर्भुज। सबसे पहले हम जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति कहेंगे, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं तो चार भुजाओं से बंद आकृति होगी, या हम ये कह सकते चार भुजाओं से बने बहुभुज को भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे ये एक कोई आकृति है जो चार भुजाओं से है, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी और डी, ए कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी, यानी चार कोण होंगे और इन चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। और इसकी चार भुजाएं क्या क्या होंगी, ए बी भुजा, बी सी भुजा, डी सी और भुजा डी ए, ये इसकी भुजाएं कहलाएंगी। यानी इसमें चार कोण होते हैं और चार ही भुजाएं होती हैं और साथ में इसके जो चारों कोण हैं उनका जो सम है वह कितना होता है 360 डिग्री होता है। जैसे हम आपको दिखा दें ये क्या है, हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इस समय इस शेप में यदि 90 डिग्री का एंगल है तो ये वर्ग कहलाएगा, यदि इसे ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे कराएंगे, ये आपके इस चैप्टर से संबंधित नहीं है। तो इसका अगला जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं क्या है। आशा करता हूँ आपने चतुर्भुज के बारे में समझ लिया होगा। अगला हमारा इसका पॉइंट है उसको जानते हैं क्या है, चतुर्भुज के बाद है फिर आसन्न भुजाएं। यानी हम एक आकृति बना लेते हैं और इस आकृति के माध्यम से समझेंगे आसन्न भुजाएं क्या है, ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है। इसमें क्या है आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं वो भुजाएं कहलाती जिन दो भुजाओं में एक शीर्ष कोमन हो, अर्थात ये ए बी और ए डी में ए शीर्ष कोमन है, तो ए बी के आसन्न भुजा क्या हो जाएगी, ए डी, ए बी के आसन्न ए डी भुजा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ शीर्ष है। ऐसे ही यदि हम ए डी को ले तो इसके आसन भुजा ये भी हो जाएगी, डी सी भी हो जाएगी, अर्थात इसमें ए डी और डी सी में ये जो डी है वो कॉमन है। ऐसे ही डी सी की आसन क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन ये सी हो गया और ए बी सी की आसन हो जाएगी ए डी, क्योंकि इसमें एक कॉमन शीर्ष हो गया। तो दो भुजाओं का कॉमन शीर्ष जो होगा वह दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, एक दूसरे के आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स। सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं, उनको हम सम्मुख कहेंगे। जैसे इसके सामने ये होगी और इसके सामने ये, यानी ए डी के सामने क्या है बी सी है, तो ए डी के सम्मुख क्या होगी बी सी, और ए बी के सामने क्या है डी सी है, तो ए बी के सम्मुख क्या होगी डी सी। अगला पॉइंट है सम्मुख कोण, सम्मुख अर्थात आमने सामने के, तो ए के सम्मुख सी हो गया और डी के सम्मुख बी हो गया, कोण ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण सी, और यदि डी का लें कोण डी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण बी। यानी जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आसन्न कोण, आसन्न कोण अर्थात जैसे ये हमने दो कोण बना दिए, यहां से समझा देते हैं, आसन्न कोण वो कोण कहलाता है जिसमें एक भुजा, अर्थात जैसे यहां पर ये कोण बने हैं तो ये आसन्न कहलाएंगे, एडजेस्ट एंगल कहलाएंगे,
तो इसके ये और ये क्या कहलाएंगे, आसन कहलाएंगे। जैसे इसके आसन ये हो गया, इसके आसन ये हो गया और इसके आसन ये हो गया, यानी बिल्कुल जैसे भुजाएं थी उन्हीं की तरह ये भी कहलाएंगे आसन कोण। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज की जो प्रश्नावली है, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्नावली 4.5, प्रश्नावली 4.5। पहला क्वेश्चन क्या है, हम उसको पढ़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है देखो, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस ए का एक रफचित्र बनाइए, इसके विकर्ण खींचिए, उनके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर यानी अंदर है या बहिर्भाग में है, ये हमें बताना है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस खींचना है पहले के लिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस हमने इस तरीके से इसको बना लिया, पी क्यू आर और एस, इनके विकर्णों को मिलाने के लिए कहा गया है, तो हमने इनके विकर्णों को भी मिला दिया। तो इनके विकर्णों के नाम पूछे हैं, तो विकर्ण विकर्ण क्या हो गया पी क्यू, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया, दो विकर्ण हो गए, वो हो गया क्यू एस। अब इसमें अगला पॉइंट क्या पूछा है कि क्या इन विकर्णों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं या जो कटान बिंदु है वो इस चतुर्भुज के बाहर होगा या अंदर। तो इन भुजाओं के अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक भाग कहते हैं, और जो बाहर का है उसको हम बाह्य भाग कहते हैं। तो ये क्या है, अभ्यंतर में है, अभ्यंतर अभ्यंतर, और ये क्या है बाह्य। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मान लीजिए ओ ले लेते हैं, तो किस में होगा, अभ्यंतर में होगा, यानी इस चतुर्भुज के बिल्कुल अंदर होगा ये। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा, उसको देखते हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप अपनी किताब में देखे पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की पुस्तक है। क्या है, चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र खींचिए, के एल एम एन, के एल एम और एन पूछा क्या गया है, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख फर्स्ट पार्ट में पूछा गया, सम्मुख भुजाओं के, सम्मुख भुजाओं के युग्म। तो देखो के एल, के एल के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, के एल के सम्मुख एम एन, और के एन के सम्मुख हो जाएगी एन, के एन के एम एल, ये सम्मुख भुजाओं के युग्म हो गए। दूसरा पार्ट है उसमें पूछा गया सम्मुख कोणों के युग्म, सेकंड पार्ट में सम्मुख कोणों के युग्म, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो एंगल के का जो सम्मुख है वो होगा एंगल एम, यानी इसके अपोजिट ये है, और एंगल एन के सम्मुख होगा एंगल एल। सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट है आसन भुजाओं के युग्म, थर्ड पार्ट में आसन भुजाओं के युग्म, आसन भुजाओं के युग्म पूछे गए। तो आसन भुजाएं हमने बताई थी कि जिनमें शीर्ष कोमल हो, अर्थात के एल के आसन, आसन भुजा क्या हो जाएगी, के एल के एन है, और एन एम या एम एन ले लो के क्या हो जाएगी एल एम, एम एन के एल एम, यानी इसमें एम दोनों में कॉमन हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका युग्म लिखना था। आगे है आसन कोणों के दो युग्म, तो आसन कोणों के दो युग्म ये आपने समझ लिया होगा, आसन कोणों के दो युग्म पूछे हैं, तो आसन कोण भी लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है आसन कोणों के दो युग्म, युग्म अर्थात पेयर्स, तो
एंगल के का जो आसन होगा वो होगा एंगल एन, और एंगल के का आसन एंगल एल भी होगा, यानी इसके आसन ये भी होगा और ये भी होगा। एंगल एन के आसन एंगल एम हो जाएगा, और ये हमने पहले लिख दिया, और एम के आसन एल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने के आसन कोणों को लिख लिया। अब हम देखो तीसरा जो क्वेश्चन है वह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, छठी क्लास के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या है, पट्टियां और उन्हें बांधने के वस्तु लेकर एक त्रिभुज बनाइए और एक चतुर्भुज बनाइए, किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए, यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए। क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन आया, क्या त्रिभुज दृढ़ है यानी रिजिड है, क्या कारण है कि विद्युत टावर जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उनकी जो संरचना है वह त्रिभुजी आकारों में बनाया जाता है, चतुर्भुजी आकारों में नहीं बनाई जाती। जैसे आपने देखे होंगे जो टावर बने होते हैं उन टावरों को त्रिभुज आकार में दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमने एक चतुर्भुज बनाया है और एक हमने बनाया है ये त्रिभुज, तो इन दोनों के लिए ये कहा गया है कि आप इसके कोण पर पकड़ो, यानी इनके जो शीर्ष हैं उन पर पकड़ो, और यहाँ से भी दबाओ, तो देखो क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है। ऐसे यदि हम इससे दबाएंगे तो यहाँ पर भी ये मुड़ जाता है, यही इसमें पूछने की कोशिश की गई है। अब हमने ले लिया त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में यदि हम इसको दबाएंगे तो देखो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, बिल्कुल दृढ़ता से बना हुआ है। ऐसे यदि इस कोने से करेंगे तो भी नहीं आ रहा। अब देखो दोनों में देखते हैं, हम इसको देख रहे हैं, इसको दबा रहे हैं तो ये दब रहा है, लेकिन ये नहीं दब रहा। इसका तात्पर्य यह है कि इस पर हमने जो फोर्स लगाया है वह फोर्स इसकी जो दूसरी भुजा है यह इसको मेंटेन कर रही है, यानी इसके फोर्स को इसके दबाव को झेलने के लिए यह तैयार है, यानी उपयुक्त है। और यहाँ पर हमने जैसे इस पर दबाव डाला तो ये वाले जो शीर्ष थे वो क्या थे, फ्री थे, फ्री होने पर ये फ्लेक्सिबल हो गए। और यही कारण है कि जो आपने टावर्स देखे उन टावर्स पर इस प्रकार की संरचना वहाँ पर दी होती है, आपने देखे हैं, नहीं देखे तो आप अपने आसपास खेतों में आपको मिल जाएंगे टावर, या तो इसके जो मोबाइल है उसके टावर मिल जाएंगे, या फिर जो इलेक्ट्रिक के टावर हैं वो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। इस प्रकार की सेफ आपको मिलेगी, इस प्रकार की सेफ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, आप आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा या समझ लिया। हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।